जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले विर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी, यानी कि कैसा रहेगा साल 2023 कन्या राशि के लिए। गोचर सिद्धांत पर आधारित चीज़ें रहेंगी, आपको समझाया जाएगा कि कन्या राशि के लिए कैसा ये साल रहेगा, कैसी होगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके करियर की स्थिति, और क्या ग्रह गोचर उनके लिए कष्ट देंगे या लाभकारी रहेंगे। साल 2023 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप आए मेरे पास कि गुरुजी हमारे बारे में साल 2023 के बारे में बताया, दो तीन साल से हमें परेशानी चल रही है, क्या साल 2023 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप आजकल आए हैं, तो इसलिए हमने ये वीडियो पहले ही, ये कार्यक्रम पहले ही बना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को साल 2023 की शुभकामनाएँ। यदि आप एडवांस में देख रहे हैं तो एडवांस में माता रानी आपकी झोलियाँ भरें और साल 2023 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साल निकले, ये मेरी ओर से दिल से दुआ है आप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फॉलोवर है। चलिए सबसे पहले गोचर सिद्धांत के अनुसार देखते हैं कि क्या बड़े गोचर हो रहे हैं। वैसे तो मित्रों गोचर होते ही रहते हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन, चंद्रमा का गोचर, मंगल का गोचर, शुक्र का, बुध का, ये जो गोचर है ना, ये साल में हर दो ढाई महीने में होते रहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। लेकिन जो बड़े ग्रह जब गोचर करते हैं तो उनका 100% राशि पे प्रभाव पड़ता है। तो देखा जाए तो कन्या राशि पे जो प्रभाव पड़ेगा साल 2023 के अंदर, चार बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। 17 जनवरी 2023 में शनि का कुंभ राशि परिवर्तन, 22 अप्रैल 2023 में गुरु का मेष राशि परिवर्तन, और 30 अक्टूबर 2023 में राहु और केतु का मीन और कन्या राशि में परिवर्तन, यानी ये चार बड़े ग्रह चेंज हो रहे हैं। अब इसका क्या रिजल्ट रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 17 जनवरी 2023 में शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो आपकी राशि से, आप कुंडली देख लीजिए, आपकी राशि से ये छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव वैसे तो रोग का होता है, लेकिन यहाँ पर शनि अच्छा भी रिजल्ट देता है और बुरा भी, यानी कि साल 2023 में आपको अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट मिलेगा। और मित्रों एक बात मैं कह देता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब व्यू बढ़ाने के चक्कर में, अपने वीडियो के व्यू बनाने के चक्कर में मैं ये नहीं कहूँगा, हज़ार गुना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि आप और वीडियो में देख लेंगे। अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं तो आप कहीं किसी और वीडियो को देख लीजिए, यहाँ जेन्युइन बताया जाएगा और कैलकुलेशन से बताया जाएगा, तभी तो लोग जो ये अब साल जा रहा है ना 2022, तो अब जाके लोग के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि 2022 में जो आपने भविष्यवाणी की थी बिल्कुल सही रही। लेकिन क्या होता है, व्यू बढ़ाने के चक्कर में मैं कोई ऐसा अनर्थ काम नहीं करूंगा मित्रों, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष प्रिडिक्शन के बल पर ही चलती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला तो अच्छा फल आपको शनिदेव देंगे, पहला क्या होगा, पद धन में आपके ऑफिस में वृद्धि होगी, या ऑफिस से आपको कोई सुख सुविधाओं के लिए एक्सपेंसेस के खर्चे मिलेंगे या सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो कुल मिलाकर साल 2023 में ऑफिस में थोड़ी आपकी सुन ली जाएगी, थोड़ा आपकी बात सुनी जाएगी। साथ ही साथ छठा भाव कंपटीशन भाव भी मैं मानता हूँ, तो अगर आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कॉम्पिटिशन क्रैक करने के साल 2023 में स्टूडेंट्स के योग बनते हैं। साथ ही साथ नौकर चाकर का सुख भी आपको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर अच्छा नौकर चाकर का सुख भी मिल रहा है। अब बुरा क्या होगा साल 2023 में, आपको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम साल के शुरुआत से ही रहेगी, बीपी, चाहे आप यंग भी हो चेक करा लीजिएगा, बीपी आपका बढ़ सकता है, ये शनि की के कारण ही बढ़ेगा। अब दूसरी घटना क्या होगी, शनि की जो दृष्टि है आपकी राशि, तीसरी जो दृष्टि है आपकी राशि से अष्टम भाव में पड़ रही है, यानी कि देखा जाए तो जो आपका पैतृक मकान है उसका भूमि का निर्माण साल 2023 में होगा, या पैतृक मकान से कुछ आपको धन लाभ या कुछ इनकम या कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा, और पैतृक मकान का जीर्णोद्धार होने का योग है, यानी कि उसका रेनोवेशन होने का, या पैतृक जमीन में मकान बनाने के भी आपके योग बनाएगा शनिदेव। साथ ही साथ शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी राशि से व्याय भाव 12वें भाव में पड़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं
देखा जाए तो साल 2023 में हल्का फुल्का आपके ऊपर कोई केस बन सकता है या सरकारी भुगतान, सरकारी पेनल्टी, सरकारी नोटिस आपको आ सकता है, और जिसके लिए आपको हल्के फुल्के कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, मैं कहूँगा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन शनि की जो ये दृष्टि है ना, ये कुछ खराब कर सकती है। इसी प्रकार से जो शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपकी राशि से तृतीय भाव पे पड़ेगी, और तृतीय भाव भाई बहन का भी होता है और पराक्रम का भी होता है, यानी कि आपको पावरफुल व्यक्ति बनाएगी। जैसा मैंने बताया, ऑफिस में आपका कद बढ़ेगा, आपकी बात सुनने लगी जाएगी, व्यापार में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। पहली चीज़ तो ये 2023 में बड़ा अच्छा आ रहा है, साथ ही साथ आपके भाई बहन का दूर जाने का योग या स्थान परिवर्तन का योग भी, विदेश जाने का योग भी 2023 में बन रहा है, ये बता रहा है। इसके बाद क्या होगा, अप्रैल 2023 में गुरु का मेष राशि परिवर्तन होगा और आपकी कुंडली से जो गुरु है वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, तो अष्टम भाव गढ़ा धन प्राप्ति वाला भाव भी होता है, पैतृक धन वाला भाव भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो पैतृक मामलों के लिए यदि भाई बहनों से कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, या पैतृक जगह से आपको धन लाभ होगा, या ज़मीन का लाभ, या रेंटल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। तो ये अच्छा 2023 में हो रहा है। साथ ही साथ गुरु की जो पांचवी दृष्टि है आपकी राशि के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखिएगा, व्यय भाव में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं साल 2023 के अंदर खूब मंदिर, खूब तीर्थ के दर्शन आप करने वाले हैं, बिकॉज जो ये दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही है ना, आप कोई गुरु भी बनाने वाले हैं, कोई कह लीजिए कि इस तरह की चीज़ें भी फॉलो करने वाले हैं, कोई गुरु बनाने वाले हैं, कोई पंथ फॉलो करने वाले हैं, और खूब तीर्थ और मंदिर की यात्रा बृहस्पति की दृष्टि से आपको मिलेगी। साथ ही साथ गुरु की जो सातवीं दृष्टि है, देखिएगा, धन अभाव पे पड़ रही है, ये दृष्टि बहुत अच्छी है आपके लिए, याद रखिएगा कन्या राशि वाले, ये दृष्टि बहुत अच्छी है, यानी कि रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा साल 2023 में, आपको तिगुना धन वृद्धि होगी, यानी कि जो आपकी 2022 में जितनी भी धन की वृद्धि चल रही है, तीन गुना वृद्धि आपकी साल 2023 में होगी, ये ऐसा योग बना रहा है। साथ ही साथ गुरु की नौवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में है, यानी कि परिवार के अंदर मांगलिक काम होंगे, जो रुके हुए लोगों की शादी के काम होंगे, संतान के काम होंगे, साथ ही साथ एक साल के अंदर दो मांगलिक कार्य आपके घर के अंदर होंगे, यानी कि शादी या संतान के काम होंगे। यदि आपके दो भाई बहन कुंवारे बैठे तो एक की शादी अभी हो जाएगी और एक की शादी बाद में होगी, या एक की शादी हो जाएगी, एक की संतान हो जाएगी, एक की शादी होगी और एक को प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। तो कुल मिला के दो मांगलिक कार्य, दो खुशखबरी आपको मिलेगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 में राहु का मीन राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी मीन राशि जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि से सप्तम भाव में हो रहा है। तो ये जो दो महीने ये थोड़े ख़राब हैं, देखा जाए तो दाम्पत्य और प्रेम की परीक्षा लेने वाले ये महीने, कुछ लोग हैं जिनका प्रेम बहुत अच्छा है बच्चों का तो वो तो टिकेंगे, और जिनका चलायमान है तो वो टूट भी सकता है। तो ये जो दो महीने हैं, दाम्पत्य जीवन और प्रेम में जबरदस्त अनबन, जबरदस्त तनाव रहने वाला है। साथ ही साथ 30 अक्टूबर 2023 में देखा जाए तो केतु का भी कन्या राशि परिवर्तन है, राहु का होगा तो केतु का भी होगा। तो दो महीने तक देखा जाए आपको कमर दर्द, पीठ दर्द, डिस्क में दर्द की संभावनाएं रहेंगी। तो कुल मिला के ये जो दो महीने हैं थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे। फाइनेंशियली तो ये साल बहुत बहुत बढ़िया है, कुछ चीज़ें मैटर भी हैं, लेकिन जब धन अच्छा होता है तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और अगर आपको, ये तो मैंने मित्रों जनरल प्रिडिक्शन बताई है कन्या राशि वाले, यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरे लिए साल कैसा है, क्योंकि गुरु और शनि का लाजवाब परिवर्तन है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना नाम और आपकी मुख्य निर्णय वो भेज के मुझे से राय ले लीजिए, एक बार कुंडली जरूर चेक करवा लीजिए। कुंडली दिखानी जरूरी है 2023 में, क्योंकि बहुत अच्छा साल है धन के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए बहुत ही बढ़िया साल है, दो तीन सालों में ऐसा साल नहीं आया, तो इसलिए आपको ज़रूर दिखानी चाहिए अपनी कुंडली, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।